Good morning, people. Wow. So, आज एक बहुत बढ़िया राइड पे मैं निकल रहा हूँ. ऑलरेडी वार्म अप मैंने कर दी थी, इसलिए अभी वो बफर नहीं हो रहा है बाइक. और आज जो राइड के लिए मैं जा रहा हूँ उसका जो कॉल टाइम है ना, वो 5:30 बजे का. देखो यहाँ पे, देखो 5:26 हो रही है राइड. और ये जो राइड हो रही है, शायद से आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, ये हो रही है सूरत के BMW ओनर्स के साथ. मीन्स BMW बाइक जो ओन करते हैं उनका ये पूरा ग्रुप है राइट, उनके साथ हमारी ये राइड हो रही है आज की. आई थिंक कुछ 20 लोग जैसे रहेंगे इसमें, ये पूरी राइड में 20 से 22 राइडर्स इसमें है. देखो क्या बढ़िया बात है. इतने टाइम से मैं ग्रुप के लिए तरस रहा था और जब ग्रुप मिला तो मिला सीधा 20-22 लोगों का. व्हाट अ डे मैन. देखते हैं आज क्या होने वाला है, क्या हर एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप राइड है. मैं सूरत से कभी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ हूँ आज तक, ये फर्स्ट ग्रुप राइड है मेरी. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया हूँ इसके चक्कर में. कल रात को 12:30 बजे तक तो मैं यही सब टाइम पास कर रहा था कि GoPro कैसे सेट करना है, कहाँ कहाँ माउंट करना है और हर एक चीज़. अभी तो सूरज देवता को आने में बहुत टाइम है, वो लगभग आएंगे 6:30 बजे आसपास बाहर. अभी जो मीटअप पॉइंट है वो BMW शोरूम है सूरत का राइट, जो यहाँ से लाइट में है. तो वहीं पे जाते हैं और बाकी राइडर्स से मिलते हैं और फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे. तो गाइस राइड है स्टार्टेड. सामने है मेरे हार्ली डेविडसन, उसके बाद है ट्रायम्फ एंड उसके बाद है S1000RR और 2 से 3 GS है. एक 310RR है, ये रही 310RR द नेकेड वन, नॉट द स्पोर्ट्स वन राइट. वो भी हमें ज्वाइन करेंगे कभी और राइड पे. इस बार इतने ही राइडर्स है सूरत से, अराउंड 5 to 6. उसके बाद वलसाड से कुछ ज्वाइन होने वाले हैं जो हमें मिलेंगे पलसाना. तो आवर फर्स्ट स्टॉप इज पलसाना राइट नाउ और लेट्स सी हाउ द राइड गोज ऑन. द रूट इज व्यारा, अभी व्यारा जा रहे हैं राइट, और व्यारा से होते हुए दांग अंदर फॉरेस्ट में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं. ये देखो एक और GS जाते हुए आगे. गाइस राइड तो स्टार्ट हो गई है और हम लोग हाईवे पहुंच गए हैं. मीन से सचिन वाला पलसाना वाला हाईवे है अभी तो. और 1250 GS ने अभी जस्ट हमें कनेक्ट किया है राइट, राइड में जुड़ चुके हैं वो लोग भी और दे विल मीट अस एट पलसाना. अभी जस्ट फ्लाई बाय मिली है, पीछे S1000RR ये देखो, यो मैन. और उसके बाद ट्रायम्फ आ रही है. ऐसे ग्रुप में राइड करो ना तो और ज्यादा मजा आ जाती है यार. सन इज राइजिंग को बताया, आई होप आपको दिख रहा होगा. दिख रहा है क्या? वेदर बहुत ही ऑसम है, हल्की हल्की ठंडी है उसमें अच्छा लग रहा है. अगर गर्मी रहती तो मर जाते यार. अभी शोरूम के पास खड़े थे 1/2 घंटे से भाई, हालत खराब हो गई. हालत इतनी गर्मी, मतलब बता नहीं सकता मैं आप सबको, अल्टीमेट लेवल पर गर्मी थी वहां पर.
go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. So guys, अपना मीटिंग स्पॉट आ गया है और गैंग देखो यार, गैंग देखो यहाँ पे वलसाड के राइडर्स ने भी ज्वाइन किया है हमें. वो 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 I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. बस निकल रहे यहाँ सब, सबका होगा. अरे पचका हो गया. GTL, वाओ क्या गाना बज रहा है. ये भाई को मजे है भाई, गाने सुनते सुनते जाऊंगे. मुझे पीछे से थोड़ा सा उसको म्यूजिक और देना पड़ेगा, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा इस वीडियो पे. चलो that I might screw everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams. What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Do you believe? Do everything. What you gonna do for it? How you gonna move for it? एक के बाद एक राइडर दो टैक्चर में अपना आप थोड़ा सा स्लो चला रहा हूँ. क्यों? क्योंकि ये सब फ्लाई बाय मुझे रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्ड इसके लिए. देखो ये सन इज एट द टॉप, सन एकदम सामने आ गया हमारे सामने. So we took a stop for a tea break or food or breakfast बोल सकते हो. यहाँ पे पूरी मंडली जमा है, ये देखो. और हम लोग थोड़ा सा भटक गए थे बीच में. So guys, all bikers are ready again. Breakfast हो गया, सिर्फ चाय वाय पी है, ज़्यादा कुछ खाया नहीं मैंने अभी. क्यों? क्योंकि फिर यार सुबह सुबह निकले हैं तो पॉटी का भी टेंशन रहता है हमें, और हमारा सेटअप प्रॉपर होता नहीं, इसलिए खाएंगे जाने के टाइम पे, अभी नहीं. ओहो हो के 1600 GTR, व्हाट अ बाइक मैन. आगे सेम पर दूसरा कलर है. इन्होंने पेनियर्स अभी जस्ट निकाले टू राइड मोर फ्रीली. ओह आवाज़ थोड़ा सा लो है. क्यों? क्योंकि यार बाकी नॉइज बहुत ज़्यादा है. राइट, आई होप आप सबको क्लियर सुनाई दे रहा हो. मुझे बार बार चेकअप करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि ऑन है या नहीं, क्योंकि यार लास्ट टाइम जो GoPro ने किया था मेरे साथ धोखा, उसके चक्कर में. चलो रेडी गाइस, निकलते अब. सो बैक ऑन रोड्स. अब होंगे ये छोटे छोटे रास्ते जो कर्वी रास्ते, और बहुत मज़ा आने वाली है यार.
सो इस बार अभी मैं हूँ थर्ड पॉइंट पे, राइट, मुझे पीछे नहीं रहना इस बार, इन लोग के साथ ही रहेंगे आगे। और लेट्स सी कैन आई कैच अप टू दिस 1200cc एंड 1600cc बाइक। और ये इको वाले भाई को देखो यार, क्या करना है पता नहीं भाई, तू निकल ले या तो तू हमें परेशान करेगा। ऐसे आ जाते ना भाई गाड़ी वाले तो डर लग जाता है कि भाई हम लोग कोप अप कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये देखो ये यार ये टर्न्स ऐसे लेते ना, सिग्नल देते ना कुछ देते। बट दे आर एक्सीलेंट राइडर्स गाइस, एक्सीलेंट राइडर्स, एक्सीलेंट, क्योंकि ये लोग जो स्पीड से चलाते हैं बाइक यार, मजा आ जाती है इन लोग को देख के। होपफुली कभी हम लोग भी ऐसे ही चलाएंगे। इन लोगों को क्या है, ये लोग एक्सपीरियंस राइडर है, प्लस इन्होंने रोड्स देखे है, तो दे कैन गो वेयर एवर दे वांट एंड व्हाट एवर स्पीड दे वांट, राइट। और हम लोग अभी जस्ट नए हैं, देखो ये ऑफ रोड आ गया तो हम लोग बस ऐसे खड़े हो जाओ बढ़िया से ऑफ रोड पे। इन सब में ना मेरी स्पीड स्लो है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग जाता है, क्यों, क्योंकि ग्रेवल्स है ना, कभी भी साइड हो जा सकती है टायर। पर ये एडवेंचर है तो यस थोड़ा सा बेनिफिट है इस चीज़ में। पर यार रोड की हालत देखो यार, फक्ड अप, एकदम फक्ड अप है। और मेरी फटती है, मैं ओपनली बोलता हूँ, मेरे इस टाइप के रोड्स में ना बहुत फटती है, क्योंकि मुझे गिरना नहीं है कोई भी एंगल में, ना मैं लद्दाख में गिरा था ना यहाँ पे गिरना चाहता हूँ। एक ही बार अभी तक मेरा एक्सीडेंट हुआ है ऑन राइड, जो थी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो फेल हो गया था सोलो में, राइट। तो अभी मुझे वापस वो चीज़ नहीं करनी है, स्लो जाएंगे पर गिरना नहीं है, सिंपल सी बात है मेरे दोस्त। ये देखो रास्ते देखो, यो है खतरनाक, वहाँ पे बना हुआ है यहाँ पे नहीं बना हुआ है। पता नहीं क्यों रुके हैं यहाँ पे, लेट्स फाइंड आउट। देखो गाइस पूरे जंगल ही जंगल है यार, ये पूरा वाजदा का जंगल कह सकते हो, वाजदा फॉरेस्ट लेन, और सारे बाइकर्स एंड लाइन जो आगे चला रहे हैं यार, मजा आ रही है मुझे तो। ये गई हायाबुसा, कीप अप विद देम, पर वो लोग बहुत फास्ट चलाते हैं यार। हायाबुसा तो मतलब निकलती मतलब साइड से, यो भाई यो मजे आ जाते हैं। और रोड्स तो देखो यार क्या मस्त है, थोड़े बहुत कर्व्स, थोड़े बहुत माउंटेन्स, अभी पूरा ड्राई एरिया है ये, पर अगर यही चीज अगर आप मानसून में आ गए हो यहाँ पे, तो मीन्स ये पूरा लश ग्रीन आपको मिलने वाला, लश ग्रीन एंड वन ऑफ द बेस्ट रूट्स ऑफ गुजरात। अगर आप सूरत के नियर बाय हो ना, ट्रैवल करना हो या संडे राइड करनी हो, तो ये वन ऑफ द बेस्ट रूट्स होता है। मैं आगे भी ये रूट पे ट्रैवल कर चुका हूँ थोड़ा बहुत, पर बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम पहले।
व्हाट अ टर्न मैन, व्हाट अ टर्न, व्हाट अ टर्न। मजा आ रही है, भले स्लो हूँ पीछे हूँ पर मैं तो मजे लेता हूँ। देखो भाई मेरी राइडिंग स्किल ही वैसी है कि मैं धीरे धीरे चलाऊंगा आराम से, और रोड के और व्लॉगिंग के मजे लेते जाएंगे हम लोग। फास्ट जाके क्या करना है यार, फास्ट में भी मज़ा ही है पर मेरी जो स्टाइल है वो यही है भाई, क्या कर सकते अब। आई नो मुझे दो जो ग्रुप वाले होंगे थोड़े बहुत गाली भी देंगे मेरे पीठ पीछे कि भाई तू कितना स्लो चलाएगा, पर क्या करें अब, दिस इज व्हाट आई एम। नीचे जाओ अनुज, नीचे जाओ। ओके आलोक गया छे बदा, अंदर जाओ अनुज। चलो भाई ऑफ रोड धीरे धीरे, थोड़ा सा स्लाइड होते हो क्योंकि मिट्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ही भाई। पर लद्दाख की स्किल कब काम में आएगी, नो ब्रेकिंग, नो मच ब्रेकिंग माय बॉय। ओके जाने दो। फर्स्ट टाइम 390 एडवेंचर, सॉरी 310 फंबल हो रहा हूँ यार, काफ़ी टाइम के बाद ऑफ रोड कर रहा हूँ ना तो बोलने नहीं हो रहा है मुझे, तो 310 GS के यार फक। सो गाइस 310 GS पे फर्स्ट टाइम ऑफ रोड पे जा रहे हम लोग, तो थोड़ा सा ये मशीन को समझने में टाइम लगेगा मुझे, कितना रेस देना है कितना नहीं देना है क्या है। वो। देखो भाई हायाबुसा भी स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे। ओहो पथरीले रास्ते है मेरे दोस्त, चलो 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 चलो, पूरा मिट्टी वाला है बाबा। स्ट्रगलिंग सो बैड सो बैड सो बैड, पूरे पत्थर है भाई। यस 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 यस, निकल जाएंगे। क्लच पे पूरी गाड़ी मैं नीचे लेके आ रहा हूँ धीरे 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 धीरे। ओह ट्राइम फंस गई, और हम लोग धीरे धीरे निकालते। देखो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, टर्न मार्क ही आ जाए। ओके ओके यार ये तीसरी बार बंद हो गई, पावर लैक ऑफ पावर थोड़ा सा यहाँ पे, मुझे पता नहीं ना एक्चुअली कैसे यूज़ करना है इसके लिए, ज़्यादा मुझे वो हो रहा है। यस चलो हो गया फाइनली, थोड़ा और सीधा कर ही देते हैं। चलो डन। गाइस ऑफ ट्रोल ट्रेल के लिए सिर्फ हम लोग यहाँ पे आए थे नीचे, अब हम लोग वापस जा रहे हैं बैक ऑन रोड्स। ये कुछ ज़्यादा ही स्टोन वाला इलाका है और गाड़ी पूरी स्लिप हो रही है पीछे से। चलो हमेशा ना सबसे डिफिकल्ट जो पार्ट रहता है ना वो उतरने वाला रहता है, उसके बाद ना ऊपर चढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं आती है, पर मेरी गाड़ी पता नहीं क्यों बंद हो रही है।
गाइस फाइनली वी आर लिविंग दिस ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे हमें एक घंटे से ऊपर हो ही गया है टाइम पास करते हुए। कुछ लोग ऑफ रोड करने गए थे, गिरे भी। अभी देखो वो फुटेज मेरे में नहीं है क्योंकि दूसरे भाई के फ़ोन में है। अगर वो परमिशन देंगे और अगर फुटेज आई तो ही मैं डालूँगा, वरना नहीं। वाह यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड, और क्या मज़ा आ रही है यार, क्या बोलूँ मैं आप सबको यार। मैं ये फीलिंग आपको ना डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, राइट, क्योंकि ये जो रोड्स है ना यार, लाइक मैन टू बी फॉर दिस बाइक्स। सूरत में ना मज़ा नहीं आती चलाने में, ना हाईवे पे आती है, सबसे ज़्यादा मज़ा आती है कर्व्स में जो गाड़ी चलती है ना यार। अरे हाहा, ऐसी राइड्स हम और करेंगे आगे और भी मज़े लुटाएंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, राइट। जो भी अगर देख रहा है यहाँ तक अगर पहुँच गया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे आपको और राइड्स देखने मिलते रहेंगे अमेजिंग बाइक्स के साथ और अमेजिंग अमेजिंग लोगों के साथ। आज मैंने ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया है वीडियो में, राइट, क्योंकि अभी ना फर्स्ट राइड है, राइट। मुझे यूज़ टू होने में टाइम लगता है, कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। लोग को वीडियो में आने में कंफर्टेबल हो ना हो वो चीज़ भी देखनी पड़ती है यार, उसके बाद ही सबको हम अंदर लेके आ सकते हैं ना। ऐसे तो नहीं कि भाई चलो उठा के कर दिया वीडियो चालू उनके मुंह के सामने रख दिया, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। सब मज़े ले रहे भाई रोड के। मैं स्लो चलता हूँ हमेशा, क्यों, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना रहता है और फिर बहुत ज़्यादा अगर फास्ट चले तो यस वो विंड नॉइज़ भी होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है। अगर स्लो चलते हैं तो क्या इजीली हम टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और बाइक के भी मज़े ले सकते हैं और आपको भी मज़े ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो मैं फील कर रहा हूँ ना वो ही मैं आपको बताऊँगा। देखो एक के बाद एक बाइक्स जा रही है आगे। सो गाइस वी आर ऑलमोस्ट इन सूरत, लास्ट पैच बचा है कुछ 5-7 किलोमीटर का, राइट, एंड वी विल बी एट आर होम। और फिर मैं बताता हूँ कि क्या मज़ा आया है, प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको, राइट। बने रहो तब तक ये वीडियो में, अभी तक देख चुके हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी ना बहुत सारे हमने इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ भी खींचे हैं और रील्स भी बनाए हैं, तो अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर तो प्लीज़ डू गो एंड फॉलो इंस्टाग्राम। अरे भाई मेरे जाने दो, एंड करना ही रह गया। अभी पहुंच गए हम लोग ऑफिस, तो कल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा एक तो मज़ा ही है राइड करने में, राइट, बहुत सारे नए लोगों से मिला हूँ, इंटरेक्शन अभी हो रहा है, स्टार्टिंग है, धीरे धीरे बॉन्ड बनेगा, उसके बाद मैं सबको वीडियोस में लेके आऊँगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो आपने आई थिंक मेरा भी चेहरा नहीं देखा होगा ये वाले व्लॉग में, तो बहुत कम देखा होगा आपने मेरी फुटेज, राइट, क्योंकि मैं ज़्यादा है ना वो राइडिंग पे ही फोकस कर रहा था, राइड कैसी जा रही है, उनसे मैं क्या सीख रहा हूँ, कैसे वो लोग टर्न ले रहे हैं और सब चीज़ें, और बहुत चीज़ मुझे सीखने भी मिली। उनकी स्पीड बहुत अच्छी है, राइट, बहुत अच्छी स्पीड पे वो लोग राइड करते हैं। मैं तो मतलब लास्ट में ही रहता था मोस्टली, मैं स्टार्टिंग में राइट, मैं पहले एक दो बाइकर्स में रहता था, फिर धीरे धीरे पीछे, पर उसका मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो धीरे धीरे स्पीड आएगी। मैं अभी स्टार्ट किया राइडिंग, वो लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, राइट, तो वो चीज़ का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। और वो लोग 1000 cc 1200 cc वैसी बाइक्स चलाते थे, राइट, तो यस ऑफ कोर्स, और जो 310 चलाते थे उनकी भी स्पीड बहुत अच्छी थी, राइट। पर मेरा क्या है, मैं शांति से चलाता हूँ, व्लॉग करते हुए चलाता हूँ, तो व्लॉग के टाइम में ना ज़्यादा स्पीड होना इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट सेफ, राइट। और मोस्टली जब मेरे जैसे क्या बोलते हैं एमएचओ राइडर्स हो तब आई एम नॉट अ प्रो राइडर, मैं अपने आप को कभी प्रो नहीं बोल रहा हूँ अभी,
मैं अभी बहुत बिगनिंग में हूँ ये राइडिंग के लाइन में, मेरा शौक है, मैं कर रहा हूँ, मैं मज़े लेते लेते चलाता हूँ, मैं आजू बाजू सब जगह पे देखता हूँ, जो नेचर रहता है उसके साथ मैं थोड़ा सा मर्ज होता हूँ, बहुत मज़ा आती है मुझे ये सब चीज़ों में, राइट। और मैं हमेशा देखता हूँ कि यार क्या इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ मैं हर राइड में, राइट। तो वो चीज़ मैं सीखता हूँ धीरे 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 धीरे, और मुझे कोई भी चीज़ ना एडअप करने में टाइम लगती है, मैं ऐसे नहीं कि भाई देख लिया और हो गया, मैं उसको प्रॉपर इन डीप जाता हूँ, पता तो चल जाता है एक बार में, पर उसके डीप में उतरना, धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करना ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। तो कल की राइड बहुत मज़ेदार रही, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत नए लोग मिले, राइट। और आई होप आप सबको भी मज़ा आए हो ये नए नए व्लॉग्स देखने में, ऐसे और राइड्स करते रहेंगे ग्रुप राइड, तो मैं और ज़्यादा सीखते जाएंगे और भी आपको दिखाते जाएंगे, राइट। और ये व्लॉग यहीं एंड करते गाइस, आई होप आप सबको मज़ा आए हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं अभी, नए अपडेट्स, राइट। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ गो देयर एंड फॉलो। ओके, टाटा, बाय बाय।